श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परम ब्रह्मा तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। सद्गुरु की वंदना का सबसे प्रसिद्ध श्लोक है ब्रह्मानंदम परम सुखदम। सद्गुरु का वर्णन पहले ही आता है कि सद्गुरु ब्रह्मानंद स्वरूप है और उस सद्गुरु के प्रति जो समर्पण है वो समर्पण वैसा ही है जैसा लहर का समुद्र के प्रति या गहनों का सुवर्ण के प्रति होता है। सुवर्ण अनंत है, निराकार है और आभूषण जो है उनका अपना नाम है, रूप है, आकार है। तो सुवर्ण और आभूषण इन दोनों में क्या भेद है? एक तो नाम रूप में फंसा है और उसका कोई उपयोग है, उसका कोई एक अपना विशेष स्थान है। लेकिन सुवर्ण यह नाम रूप के परे है। तो जो हम लोगों को इस द्वैत के जगत में जो विषयों से जगत से रिश्ते नातों से आनंद का आभास होता है वह साधक के जैसा, और जो ब्रह्मानंद है जिसका अपना कोई आकार नहीं, जहां आकार नहीं होता है वहां विकार नहीं होता है, जहां विकार नहीं वहां प्रकार नहीं, जहां प्रकार नहीं वहां संस्कार नहीं, जहां संस्कार नहीं वहां अहंकार नहीं, जहां अहंकार नहीं वहां बेकार है। सद्गुरु को शरण जाना माने बेकार होना। देखो हम जब भगवान को नमस्कार करते हैं तो नमस्कार कैसे करते हैं? नमस्कार करने के भी अनेक तरीके हैं। हम काफी घूमे हैं और लोगों के नमस्कार करने के तरीके आपको एक दो बता दूं। कई लोग जब खाना खुना खा लेते, हाथ गिले हैं या पैर हाथ पोछना है तो स्वामी जी को नमस्कार कर दिए, स्वामी जी स्वामी जी स्वामी जी, पूरे पैर को हमारे गंदे कर देते। दूसरी जो हमारी शूर्पणखा अम्मा होती है, शूर्पणखा माने कौन, जिनके नाखून सूप के जैसे है, वो जब नमस्कार करेगी तो नोच के निकालेगी। तो जो हम भगवान को नमस्कार करते हैं उसमें क्या है? दो बातें हैं, एक तो हम हाथ जोड़ते हैं और दूसरा सर झुकाते हैं। हाथ जोड़ने का तात्पर्य है हमने अपने आप को, अपनी जो क्रिया शक्ति है वह क्रिया शक्ति आपके सुपुर्द कर दी है। अब हमको अपने हाथ से जगत में कुछ नहीं करना है, ये हाथ अब खाली हो गए। कुछ दिन मुझे भगवान मिले थे और कह रहे थे कि मैं बड़ा दुखी हूं। हमने कहा आपने दुनिया बनाई, सबको दुखी बनाया, अब भुगतो। तो बोले पूछो तो सही मैं क्यों दुखी हूं। अच्छा बताओ क्यों दुखी हो? बोले मेरे पास हाथ नहीं है, अपाणि पादम, मेरे पास हाथ नहीं है, मेरे पास वाणी नहीं है, मेरे पास मन नहीं है और इसीलिए मैं बड़ा दुखी हूं। जैसे कोई व्यक्ति किसी नए शहर में चला जाए
तो पहली बात क्या वो देखता है कि रहने के लिए कहीं ठिकाना मिल जाए, तो वो घूमता है कहीं बोर्ड लटका है क्या टू लेट। तो वैसे ही बोले मैं भटक रहा हूं। फिर क्या हुआ? बोले एक भी मकान खाली नहीं है, सभी के सभी बिजी है। मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, मुझे ऐसा करना है, मुझे वैसा करना है, मुझे दुनिया का उद्धार करना है। अब दुनिया बनाई मैंने, भगवान कह रहे थे, और मैंने भगवत गीता में कहा भी है, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानम सृजाम्यहम्। जब जरूरत पड़ेगी मैं आ जाऊंगा। फिर हम क्या करें? हमने यदि दुनिया का उद्धार करना ये प्रोजेक्ट बंद कर दिया तो करें क्या? देखो ये जितने भी दुनिया का उद्धार करने वाले होते हैं ना, उनके घर का पहले ही सत्यानाश हो गया होता है। तो हम तो डूबे हैं सनम, पब्लिक को भी साथ लेके डूबेंगे। हमारे समर्थ रामदास स्वामी कहते हैं ना कि पहले अपना संसार ठीक संभालो, पहले अपने घर गृहस्थी को ऐसा बनाओ कि गृहस्थाश्रम है शब्द। गृहस्थी कोई पनिशमेंट नहीं है, ये आश्रम है। और अपने गृहस्थी को आश्रम कैसे बनाते हैं? गृहस्थी को आश्रम बनाना माने आश्रम किसको कहते हैं? आश्रम उसको कहते हैं जहां साधु संतों का निवास है। तो हम अपने घर में सद्गुरु महाराज को लाके विराजमान करें तो अपना घर आश्रम हो गया। देखो, और इसके लिए हम क्या साधना करें? तो सद्गुरु को जो समर्पण है उसको आज समझेंगे हम। तो हम अपने हाथ जोड़ करके भगवान को नमस्कार करते हैं तो अपने हाथ खाली है, अब जो बताओ करेंगे। देखो, एक कल्पना करो, मेरे हाथ में एक वस्तु है, ऐसी पकड़ी है मैंने। अब मुझे इस वस्तु को तो छोड़ना नहीं है, कोई उठा के ले जाएगा। और इसी वस्तु को पकड़े हुए हाथ में मैं एक फाउंटेन पेन लेता हूं, बॉल पेन लेता हूं, और उसके द्वारा यदि लिखने का प्रयत्न करूं तो ये जो पकड़ है मेरी इस वस्तु पर, इसका प्रभाव मेरे हस्ताक्षर पर आएगा ना। मामका पांडवाश्चैव किम गुर्वत संजय। जब तक हम अपने आप को किसी के साथ बिजी रखेंगे, परमात्मा का काम हमारे माध्यम से कभी नहीं होगा। देखो संतो, इसीलिए नमस्कार करने का या समर्पण करने का तात्पर्य है, हमने अपनी क्रिया शक्ति प्रभु को सौंप दी है, अब हमें कुछ नहीं करना है, करना है उनको। एक उदाहरण से समझ लो, जैसे आपके हमारे बीच में एक वस्तु है जिसका नाम है माइक। इसको माइक कहते हैं ना, माइक माने माया का कार्य। एक बार हाथ में आया कि आदमी छोड़ता ही नहीं उसको, जिसको हाथ में माइक आ जाए उसको छोड़ना नहीं चाहता। तो आपके हमारे बीच में ये माइक है, ये यहां कब तक रहेगा? जब तक के ये माइक को अपना कुछ नहीं बोलना है। कई जगह माइक होते हैं ना, अपनी कहानी कहते हैं, वो माइक के इलेक्ट्रॉनिक ओंकार शुरू हो जाता है, जब ऐसी माइक अपनी आवाज निकालेगा तो हम क्या करेंगे? इसको हटा डालेंगे। इसी प्रकार से यद्वाचानभ्युदितं येन वागभ्युद्यते तदेव ब्रह्मत्वं विद्धि नेदं यदिदं उपासते। केनोपनिषद कहती है, वह तत्व
जो वाणी के माध्यम से अर्थयुक्त शब्द के रूप में प्रकट होता है वहां है परमात्मा। और उस परमात्मा की तरफ हमारा ध्यान यदि चला गया तो हमारा सद्गुरु के प्रति समर्पण पूर्ण है। ध्यान से सुनना, सद्गुरु हजार नहीं होते, हर एक का सद्गुरु अलग अलग नहीं होता, सद्गुरु एक ही है। कारण कि सत एक है, सत अनेक नहीं है, विप्रा बहुधा वदन्ति। तो और वो जो सद्गुरु है वो हमारे सबके अपना आपा है, अपना स्वरूप है। और अपने स्वरूप का जो स्वरूपानंद है वो हमारे जीवन में प्रकट होने लग जाए तब जाकर के हमने सद्गुरु को नमस्कार किया है। ब्रह्मानंदम परम सुखदम। और इस स्वरूप के आनंद को प्रकट होने के लिए चाहिए क्या? एक ही बात चाहिए, हम अधिकारी बने। देखो, समझो हमको किसी का माने किसी मशीन का स्क्रू टाइट करना हो और हमारे पास 3-4 स्क्रू ड्राइवर है, तो हम क्या करेंगे? एक स्क्रू ड्राइवर लिया और उसको वो स्क्रू के ग्रू में लगा दिया, नीच में लगाया और घुमाया, तो उसका हेड जो है ऐसा विचित्र है कि फिसल जाता है, तो हम क्या करेंगे? ऐसे स्क्रू ड्राइवर को फेंक देंगे। दूसरा स्क्रू ड्राइवर उठाया, इसका हेड तो ठीक हो गया लेकिन केवल मुट्ठी ही घूमती है, स्क्रू ड्राइवर नहीं घूमता, तो उसको भी फेंक देंगे। फिर तीसरा स्क्रू ड्राइवर जिसकी नीच में भी सर चला गया है और हम जैसा चाहे वैसा टाइट कर सकते हैं, ऐसे ही स्क्रू ड्राइवर को हम हाथ में लेंगे ना? इसी प्रकार से परमात्मा उसका प्रयोजन है, वो अपने प्रयोजन को पूर्ण करने के लिए स्क्रू ड्राइवर ढूंढ रहा है, लेकिन हम ऐसे स्क्रू ड्राइवर है कि या तो हमारा हेड कहीं फिट नहीं होता या तो हमारी मुट्ठी घूमते रहती है। इसीलिए पूरी साधना यही है, हमारा एक ही उद्देश्य है जीवन का, और वो ये है हम ऐसा उपकरण बने कि परमात्मा हमको स्वयं चुन ले। देखो, अभी हम लोगों ने महाराज श्री के जन्म की कथा सुनी, उसमें पहले 12 साल तक तप करवाया था, काफी परेशानी हुई। ये तपाना किसको कहते हैं? देखो, तप शब्द का अर्थ क्या है? तप शब्द के द्वारा दो शक्तियां जागृत होती है। कई बार हमको ऐसे लगता है कि हम एक विशेष वस्तु के सिवा जिंदा नहीं रह सकते। जैसे जिनको प्याज खाने की आदत है, हमारे पंजाबी बंधुओं को प्याज और टमाटर, इसके सिवा उनका घर में कुछ खाना बन ही नहीं सकता। और जब चातुर्मास आ जाता है तो चातुर्मास में प्याज लहसुन नहीं खाते, और उसके बाद हम क्या करते हैं? कांदा नवमी, और उस दिन फिर चाय में भी प्याज डालकर के पिएंगे क्योंकि 4 महीने नहीं पिया था। अब इसी हमको सीखना क्या है? इसे ये सीखना है कि हम बिना प्याज खा के रह सकते हैं। तो हमारी ये जो कल्पना होती है ना जगत में, हम इस वस्तु के सिवा नहीं जिंदा रह सकते, उस वस्तु व्यक्ति के सिवा जिंदा नहीं रह सकते, ये कल्पना ही हमको बंधन देती है। तो तपस्या का तात्पर्य यह है, हम ये समझे कि जगत की कोई भी वस्तु व्यक्ति हमारे अस्तित्व के लिए आवश्यक नहीं है, हम निरपेक्ष अस्तित्व है। अपने इस निरपेक्ष अस्तित्व को पहचानने के लिए साधना होती है। इस स्थान से एक छोटी छोटी चीजों को छोड़ के देखें, फिर पता चलेगा कि उसके सिवा हम जिंदा रह सकते हैं।
ये जब खोज पूरी हो जाती है तब हमने तपस्या के द्वारा इस तत्व को समझा है कि इस जगत की कोई भी चीज हमारे अस्तित्व के लिए आवश्यक नहीं है। ध्यान से सुनना, हम चार प्रकार के अनुभवों को भोगते हैं प्रत्येक व्यक्ति, जागृत का, स्वप्न का, सुषुप्ति का और समाधि का। ध्यान से सुनना एकदम, जागृत अनुभव करने वाला जागृत पुरुष स्थूल देह के साथ तादात्म्य होने के बाद ही वह जागृत पुरुष होता है। हम लोग सपने का भी अनुभव करते हैं, सपने में हमारा तादात्म्य अपने स्थूल देह के साथ नहीं होता, लेकिन हम होते हैं। तात्पर्य, हमारा अस्तित्व स्थूल देह निरपेक्ष है। एक स्टेप और आगे चले जाओ, सुषुप्ति अवस्था में जब हम खर्राटे मारते हैं खूब जोर से, जिसको अंग्रेजी में साउंड स्लिप कहते हैं ना, खर्राटे को, उसको साउंड स्लिप इसलिए कहते हैं कि साउंड बाकी लोगों के लिए और स्लीप अपने लिए, एक खर्र खर्र शुरू हो जाता है। अभी अभी की बात है, हम मेलबर्न में थे ऑस्ट्रेलिया में, और वहां हमारा एक कैंप था, मेडिटेशन का कैंप, और हम एक कमरे में थे। हमारे बगल के कमरे में एक हस्बैंड वाइफ थे, उनके बगल के कमरे में उनके दो लड़कियां थी। सुबह उठे, उठने के बाद पति पत्नी जब हमारे पास आते हैं तो कंप्लेन किसी वा कुछ नहीं होता। मुझे कई बार लगता है कि मैं अपना नाम बदल डालूं, अनुभवानंद छोड़ करके कंप्लेनानंद कर लूं। और कंप्लेन क्या होगी, पति कहेगा पत्नी ऐसी है, पत्नी कहेगा पति ऐसी है, ये चलता ही रहता है। तो सुबह सुबह आए, पत्नी उवाच, पत्नी ने कहा, स्वामी जी ये रात को इतने खर्राटे मारते हैं कि मैं परेशान हो जाती हूं। तो मैंने कहा, अब मैं क्या करूं बताओ। बोले, इतनी ही बात नहीं, बात यह है कि जब मैं उनको उठाती हूं, उठो खर्राटे मत मारो, तो बोले उठते हैं और बड़े शांति से कहते हैं, मैं तो खर्राटे नहीं मार रहा था। और फिर सो करके फिर शुरू कर देते हैं अपने सप्त स्वर में, खर खर खर। अब आप उनको समझाओ। हमने कहा, अम्मा हम तो उनकी साइड लेंगे, उन्होंने जो कहा है वो सत्य है, जो तुम्हारे पति है वो जागृत पुरुष है, सोने वाला तुम्हारा पति नहीं था। सुषुप्ति अवस्था में हमारा स्थूल देह के साथ तादात्म्य नहीं होता, इसीलिए हम सुषुप्ति अवस्था में ना तो पुरुष होते हैं, ना तो स्त्री होते हैं, ना तो जवान होते हैं, ना तो बूढ़े होते हैं, ना तो पढ़े लिखे होते हैं, ना तो अनपढ़ होते हैं, ना तो पावस में होते हैं, ना तो वापस में होते हैं। देखो, उस समय ना तो 2005 है, ना 1942 है, उस समय ना तो हम बिस्तर के ऊपर है, ना तो बिस्तर के नीचे है। देखो, आप लोग सोते समय अपने बच्चे को बड़ा समझाते हो ना, देखो बेटा दक्षिण की तरफ पैर नहीं करना चाहिए, और आपका बच्चा है वो जब सोया तो रात को घड़ी के हाथ जैसे घूमते हैं वैसा वो घूमता है बिस्तर पर, अब कहां ले जाओगे दक्षिण दिशा को। देखो महाराज, ये अपना जो जागृत का अनुभव है ना, यह केवल 1/4 अनुभव है, यह हमारा पूरा अनुभव नहीं है। सद्गुरु वो है जो सभी अवस्थाओं में होते हैं, और सभी अवस्थाओं में जो होता है वही सत्य है। जागृत अवस्था आती है, रहती है, चली जाती है।
स्वप्नावस्था आती है, रहती है, चली जाती है। सुषुप्ति भी आती है, रहती है, चली जाती है। उसी प्रकार से समाधि भी काल में प्रारंभ होती है तो वो निश्चित नष्ट होगी। ध्यान से समझ लेना, जो प्रारंभ नहीं है और जिसका अंत नहीं है, जो जागृत में जगता नहीं और नींद में सोता नहीं। द्वितीय अध्याय के एक श्लोक में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, या निशा सर्वभूतानां तस्याम जागृति संयमी। संयमी पुरुष वो है, त्रयमेकत्र संयमहा योग सूत्र है। जब हमारा मन देश काल वस्तु इन तीनों से एकाग्र होकर के उपरत हो सकता है तो ऐसे मन को संयमित मन कहते हैं। तो पूरी जो योग साधना है वो प्रारंभ होती है यम से और अंत होती है संयम में। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि और उसके बाद संयम। तो जिसने अपने मन को ऐसा संयमित कर लिया है उसका ज्ञान, उसका अनुभव परिच्छिन्नता के परे है। हमारा इस समय का क्या अनुभव है कि हम अनेक है, कारण आकारों में फंसे हैं, परिच्छिन्नता में फंसे हैं, अपने को देह मान के फंसे हैं। देखो संतो, हम इस जगत को वैसे ही देखते हैं जो हमने अपने को देखा है। हमको बड़ा आश्चर्य लगता ना, ये साधु संत महाराज सबसे प्यार कैसे कर सकते हैं। हम आपको सीक्रेट बताए, उसमें कोई खास बात नहीं है। आप अपने से प्यार नहीं करते क्या? देखो समझो, आपकी उम्र 80 नॉट आउट है और 80 साल की उम्र में कैसा हो जाता आदमी, और फिर भी दर्पण के सामने खड़े हो गए तो कभी ऐसे लगता है क्या कि इस चेहरे को देख देख के मैं बोर हो गया हूं? हट नहीं। कारण क्या है कि जिसमें हम अपने को प्रतिबिंबित देखते हैं उसके प्रति प्रेम होता है, और सब में जो एक तत्व है इसको जिसने पहचान लिया है वही सब में उसी तत्व को पहचानेगा। देखो, और इसके लिए हमें अपने ज्ञान में परिवर्तन लाना पड़ेगा। तो क्या परिवर्तन लाना पड़ेगा? समर्पण का तात्पर्य है एक ही, अपने आप को ऐसे अधिकारी बनावे कि परमात्मा हमको चूज करे कि हां भैया कुछ काम करना है तो इनसे करवा लो, ये पूरा काम कर देते हैं। जैसे हमारे जज साहब यहां आए, हमारे बड़े पुराने दोस्त है, हमारे बंबई के गॉडफादर है, गॉडफादर गॉडमदर दोनों। अब हमको कहीं झंझट हो ही कुछ काम पड़ा तो हम कहां जाएंगे? हम उनके पास पहुंचेंगे, काम हमारा हो जाता है। इसी प्रकार से प्रभु को यदि अपना कुछ काम करवाना हो तो वो ऐसे व्यक्ति को ढूंढेगा कि जिसके माध्यम से प्रभु का कर्तव्य पूरा हो सकता है। इसीलिए इस जगत में रहते समय हमें अपने तरफ से कुछ नहीं करना। थे विले अनंते तैसे ची रहावे, अपने को कुछ नहीं करना है। मारवाड़ी बनो, जो थारी रहा है सो मारी रहा है। देखो मारवाड़ी लोग भगवान से झगड़ा नहीं करते। जिस दिन हम इस तत्व को समझ लेंगे कि नमस्कार करना, समर्पण करना माने संकल्प प्रभवान कामान त्यक्त्वा सर्वान अशेषतः। देखो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हम अपने तरफ से कोई संकल्प ना ले, जिस
कर्म के साथ संकल्प नहीं होता वह कर्म कर्म फल नहीं देता। देखो, और जिस कर्म के साथ संकल्प होता है वही कर्म कर्म फल देता है। अब देखो, हमको पंडित लोग पूजा या कुछ कर्म कांड कराते हैं तो पहले हाथ में थोड़ा चावल पानी देकर के संकल्प बुलाएंगे। हमारे जो एनआरआई लोग होते हैं ना, एनआरआई का मतलब मालूम है ना आपको, नॉट रियल इंडियंस, यार एनआरआई। तो हम अमेरिका में थे कहीं और किसी एक सज्जन ने उनको पूजा करने के लिए कहा, अच्छा भैया पूजा करो सत्यनारायण की पूजा। अब कुछ वहां अग्नि कुंड विंड बनाया था और उनको संकल्प देने के लिए हाथ में चावल दिया। अब उनको क्या मालूम, उनको एक ही मालूम है, हिंदू धर्म में जो भी हाथ में दे दे खा जाओ। अब उनको जो चावल दिया था संकल्प लेने के लिए कि संकल्प का चावल है पकड़ो और फिर ममोपात समस्त दुर्दक्ष द्वारा लंबा का लंबा संकल्प है, अमुक का पुत्र, अमुक का ज्येष्ठ पुत्र, छोटा पुत्र, अमुक स्थान में अमुक कार्य के लिए मैं ये कर रहा हूं। ये संकल्प पूरा हुआ उसके बाद क्रिया से कर्म जन्म होता है। जब हमने अपने तरफ से कोई भी संकल्प नहीं करना ये निर्णय ले लिया है तो फिर आलसी बन के रहो नहीं। जब हम संकल्प कोई करते नहीं ना अपने तरफ से तो फिर क्या करें, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतुर्भूः मा ते संगः अस्तु अकर्मणि। मा कर्म फल हेतुर्भूः, कर्म के फल को निर्माण करने के कारण मत बनो। ध्यान से सुनना, किम कर्म किम कर्मेति कवयोप्यत्र मोहिताः। चौथे अध्याय में भगवान कहते हैं ये कर्म अकर्म विकर्म ये क्या चक्कर है। तो भगवान कर्म का सिद्धांत इतना सुंदर बताते हैं, क्या कहते हैं, कर्मणि अकर्मयः पश्येत अकर्मणि च कर्मयः स बुद्धिमान मनुष्येषु स युक्तः स कृष्ण कर्म कृत। ऐसा यदि हम कर्म करेंगे तो हमने अपने हाथ गुरु महाराज को जोड़े हैं, इसका सार्थक साफल्य हुआ। अब इस श्लोक में क्या बताते भगवान, कर्मणि अकर्म यहां पश्येत, जिस व्यक्ति के प्रत्येक कर्म में अकर्म माने परमात्मा जो आनंद स्वरूप है, जिस व्यक्ति के प्रत्येक कर्म में आनंद की अभिव्यक्ति होती है उसी ने कर्म के सिद्धांत को समझा है। ध्यान से सुनना, हमको कर्म करके आनंद प्राप्त नहीं करना है, हमको आनंद को कर्म के रूप में अभिव्यक्त करना है। देखो, यहां अभी जितने आप लोग आए हो मैं देख रहा हूं, दो तीन दिन से यहां के लोगों को दिन रात लगे हुए हैं, और यही लोग जब अपने अपने घर में होंगे बैठे हैं तो नौकर को कह देंगे भाई चाय ले आना, जरा थोड़ा जरा हाथ पैर दबा देना, कमर दुख रही है, और यहां दिन रात लगे हैं। कारण क्या है, यहां का जो कर्म है ये ड्यूटी नहीं है, ये ब्यूटी है। देखो, जो कर्म आनंद की अभिव्यक्ति होता है उसी कर्म के साथ हम सद्गुरु को शरण जाते हैं। बहुत सरल सिद्धांत है, कर्मणि अकर्म यहां पश्य। एक स्टेप आगे, हम सभी के सभी कर्म केवल वर्तमान में कर सकते हैं, हम कर्म भूत में नहीं कर सकते, भविष्य में नहीं कर सकते। हमको किसको भी जीने का अधिकार
केवल वर्तमान में है. वी कैनॉट लिव यस्टरडे, वी कैनॉट लिव टुमारो, बट वी कैन डू वन थिंग, वी कैन डिस्ट्रॉय टुडे बाय रिमेंबरिंग यस्टरडे, वी कैन स्पॉइल टुडे बाय वरिंग अबाउट फ्यूचर टुमारो. और यही हम सब करते हैं. इसीलिए अपने जीवन में कर्म के बंधन को तोड़ करके इस कर्म से मुक्ति पाना है तो यही करना है, प्रत्येक कर्म आनंद की अभिव्यक्ति हो. बोलना है तो बड़ा प्यार से, किसी को भी बात करनी है तो उनको आदर से संबोधित करें. बहुत फर्क पड़ता है. जैसे हम जिनके भी साथ बात करते हैं उनको हम हमेशा ऐसे ही संबोधित करते हैं, आइए महात्मा जी, भगवान कैसे हो, महाराज बड़ा मजा आया, प्रभु कैसे हो. तो एक बार एक पत्नी ने मुझे कहा कि स्वामी जी आप इनको महात्मा कैसे कहते हो. हमने कहा तुम जल रही हो क्या, तुम्हारे पति महात्मा है तो तुम भी छोटा आत्मा थोड़ी है, तुम भी महात्मा हो. नहीं, बोले ये बताओ आप क्यों महात्मा कहते हो इनको. हमने कहा देखो माय सिंपल टेक्निक है, किसी भी व्यक्ति को आप आदर से संबोधित करो तो उसके पश्चात आपके मुख से अपशब्द कभी नहीं निकलेगा. देखो समझो, आपने किसी को कहा महात्मा जी एक लगाऊंगा, संभव नहीं है. तो जो व्यक्ति अपने प्रत्येक शब्द को आनंद की अभिव्यक्ति करता है, उसी प्रकार से जो भी कर्म हम कर रहे हैं वो सब आनंद की अभिव्यक्ति है. तो क्या होगा, जो कार्य प्रेम से आनंद से किया जाता है उसमें आदमी थकता नहीं, उस कर्म का बंधन नहीं होता. और ऐसा कर्म जिसमें आदमी थकता नहीं और कर्म का बंधन नहीं होता, ऐसा ही स्थान प्रभु ढूंढते हैं ताकि उनका जो कार्य है ऐसे माध्यम से अभिव्यक्त होवे. तो सद्गुरु को समर्पण का तात्पर्य है हमको अपना कुछ नहीं करना है, जो कुछ हमारे सामने अपने जीवन के अनुसार आया. हम यदि पत्नी है तो हमारा पति के प्रति कर्तव्य है. क्या कर्तव्य है, एक उदाहरण दूं आपको. एक पति पत्नी पूना के है, मराठी ब्रांड ही है, दोनों आए और मुझे कहते हैं स्वामी जी पता नहीं हम दोनों हमेशा झगड़ते रहते हैं, तो कारण समझ में नहीं आता लेकिन झगड़ते बहुत है. हमने कहा तो ये अच्छी बात है झगड़ना, जो पति पति झगड़ते नहीं पति पत्नी वो एकदम दोनों भी उनमें प्यार खत्म हो गया है. बोले नहीं नहीं हम बहुत झगड़ते हैं. तो झगड़ने से निकलने का उपाय हमने कहा हम बताएंगे, लेकिन केवल पत्नी को बताएंगे, पति को नहीं बताएंगे. तो हमने पति को तखलिया कर दिया, बाहर हटो, और पत्नी को कहा अभी मैं देख रहा था तुम अपने पति को नाम से पुकारती थी, अशोक जरा ये करना, अशोक जरा चाय ले आना, अशोक जरा झाड़ू लगाना, अब तुम आज से ऐसा करो, प्रश्न मत पूछो, आज से ऐसा करो तुम उसको अशोक अशोक कहना बंद कर दो और तुम्हारा जो मराठी स्टाइल है वैसा कहो अहो शुरू हो जाओ, अहो झाड़ू लावता का. देखो एक हफ्ते के अंदर उनके झगड़े होने एकदम बंद हो गए. कारण क्या, कारण यही, ध्यान से सुनना, पति पत्नी कभी भी इक्वल नहीं हो सकते, पति पत्नी एक हो सकते हैं. हमारी समस्या वही है कि कौन सा एक, पति या पत्नी.
तो जब पति पत्नी भिन्न नहीं रहते तब जाकर के संसार में आनंद है। इसीलिए जितना आप प्यार से जगत में रहोगे, जो भी कुछ करना है बड़ा आनंद से करो, अपने जीवन का बोझा मत ढो, नहीं तो रोज मुझे रोटी बेलनी पड़ती है, भगवान पता नहीं मुझे इस घर में क्यों भेजा है। दांत चबा चबा करके रोटी जो बेलते हैं ना, खाने वाले को कॉन्स्टिपेशन होता है। प्यार से करो, देखो आपका पूरा जीवन बदल जाएगा। और यही बात सद्गुरु के प्रति शरणागति का अर्थ है। हमको अपना घर नहीं छोड़ना, किसी आश्रम में नहीं जाना, किसी बाबा जी के अगल बगल नहीं घूमना, सद्गुरु को हृदय में रखो और जहां रखा है वहां बड़े प्रेम से रहो। ये जब बात हृदय में उतरेगी ना आपके, तब आप देखेंगे आपके हृदय में सद्गुरु का जो चेतन सत्ता का स्फुरण है वो नित्य उपलब्ध होगा। ये हो गया नमस्कार का हाथ जोड़ने का अर्थ, जिसमें ब्रह्मानंदम परम सुखदम, यह ब्रह्मानंद की अभिव्यक्ति हो रही है। ध्यान से सुनना, ब्रह्मानंद की प्राप्ति नहीं होती। समुद्र लहर बन सकता है, लहर कभी समुद्र नहीं बन सकती। जहां लहर समुद्र बनने जाती है अपने आप को मिटा देती है। इसी प्रकार से ब्रह्मानंद हमारे माध्यम से अभिव्यक्त हो सकता है। हम यदि ब्रह्मानंद को प्राप्त करने के जाए तो हम मिट जाते हैं। देखो हम लोग अपने आंखों से प्रकाश को देखते हैं, लेकिन एक हद तक उससे जैसे ऊपर लटका हुआ प्रकाश है इसको हम नहीं देख सकते। उसको यदि हम देखेंगे तो आप सब गायब हो जाओगे। और ये प्रकाश इतना तेज है कि जिस प्रकाश में हम सबको देख सकते हैं उसी को हम नहीं देख पाएंगे। इसी प्रकार से ब्रह्मानंद हमारे माध्यम से कर्म के रूप में जब अभिव्यक्त होता है तब हमारा सद्गुरु के प्रति समर्पण परिपूर्ण है। अब देखो आपकी लड़की शादी होकर गई या लड़का शादी होकर के आया, तो मां बाप की क्या अपेक्षा होती है? कि दोनों सुखी रहे। और जब वो देखते हैं कि अपने बच्चे सुखी है तो मां बाप को कितनी खुशी होती है, उससे करोड़ गुना खुशी सद्गुरु को होती है कि जब वो देखते हैं कि ये मेरा बेटा मस्त है, चुस्त है, व्यस्त है और स्वस्थ है। तब नहीं तो नॉन स्टॉप कंप्लेंस, कह राम राम राम। एक छोटा सा उदाहरण लो, बच्चे जब उनका एक हाथ दांत गिर जाता है ना, तो जो जिह्वा है वो कहां जाती है? जहां दांत नहीं है वहां ना? इसी प्रकार से जो सद्गुरु ने दिया है उसके बारे में हम नहीं विचार करेंगे, जो नहीं दिया है वहां हमारी जिह्वा जाएगी और इसी के कारण दुखी होते हैं। तो एक बार हमने हाथ जोड़ लिए, माने अब हमको कोई किसी से शिकायत नहीं, प्रत्येक कर्म जीवन का एकदम आनंद की अभिव्यक्ति है। अब दूसरी बात, हम अपने सर को झुकाते हैं, नमस्कार करते हैं तो सर झुकाते हैं। ये नमस्कार करने के आपको बड़े बड़े सुंदर सुंदर प्रकार है। दक्षिण भारत में चले जाओ तो धड़ाल से साष्टांग नमस्कार होता है। अपने इस कोकण के एरिया में देखो तो लोग अपने को ही नमस्कार करते हैं, बाबा जी को नहीं करते। मराठी लोगों का नमस्कार देखो
तो वो होता है कद्दू काट नमस्कार, सामने कद्दू रख दो और उनके हाथ में चक्कू रख दो तो ठक 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 नमस्कार कद्दू काट। उसके बाद ये यूपी बिहार में चले जाओ तो वो आपको ऐसा नमस्कार करेगी ऐसे लगेगा आपकी टांग तोड़ के ले जा रहे हैं। और हमारे पंजाबियों के पास चले जाओ नमस्कार करने के लिए, वो केवल नमस्कार की मुद्रा करते हैं, केवल ऐसा कि हो गया नमस्कार, स्टैंडिंग नमस्कार करना। अब यह हमने हाथ जोड़ने की बात समझ ली समर्पण की दृष्टि से, अब गर्दन झुकाने की बात समझ ली। तब हमारा अपने सद्गुरु महाराज के प्रति समर्पण पूरा हुआ है। अब यह अत्यंत सूक्ष्म विषय है, ध्यान से सुनना। गर्दन जब हम झुकाते हैं इसका तात्पर्य है मैं को निकाल देते हैं, मैं की मुक्ति वास्तविक मुक्ति नहीं है, मैं से मुक्ति वास्तविक मुक्ति है। मैं की मुक्ति कैसी है? पहले मैं गरीब था, अब मैं अमीर हूं। फिर पहले मैं भोगी था, अब मैं योगी हूं। पहले मैं कुंवारा था, अब मैं शादीशुदा हूं। पहले मैं अकेला था, अब मैं बाप हो गया हूं। तो ये जो मैं इसी के तो कारण परेशान हो रहे हैं। इस मैं की मुक्ति आज तक नहीं हुई। ध्यान से सुनना, मुक्ति होती है मैं से, और इस मैं से मुक्त होने के लिए आवश्यकता किसकी है? वेदांत सिद्धांत को समझ करके अपने स्वरूप को पहचानने की। ध्यान से सुनना, धर्म और योग हमें देहात्म भाव से मुक्त करने के लिए मदद करता है। धर्म से हम देहात्म भाव से कैसे मुक्त होते हैं? धर्म हमको बताता है कि हमने पिछले जन्म में जो पाप पुण्य कर्म किए इसीलिए इस जन्म में ऐसी शादी हुई, अब अगले जन्म को ठीक करना हो तो इस जन्म में ठीक से बिहेव करो। माने हम देह से अन्य व्यतिरिक्त है। धर्म जो सिखाता है वो यही है, हम देही है, देह नहीं है। अब ध्यान से सुनना, यदि ये सिद्धांत आपने स्वीकार कर लिया तो इसका अर्थ क्या निकलेगा? जैसे हम देह से अन्य देही है, उसी प्रकार से प्रत्येक व्यक्ति देही है, देह से अन्य है। तो हम लोग जो परेशान होते हैं ना अपने जीवन में, वो परेशान होते हैं बच्चों के कारण। एक बार की बात है, मुझे किसी ने पूछा था, स्वामी जी हम अपने बच्चों के कारण बड़े दुखी हैं, कुछ बताइए क्या करें। हमने कहा देखो बच्चे के कारण आज तक कौन दुखी नहीं हुआ? चाहे आपका बच्चा साक्षात भगवान रामचंद्र रहे या श्री कृष्ण चंद्र रहे, दशरथ जी और वसुदेव जी दोनों भी परेशान रहे। देखो दशरथ जी का देहांत बच्चे के कारण ही हुआ और वसुदेव जी जेल में गए बच्चे के कारण। जब साक्षात भगवान आपका बच्चा हो तो परेशान होना पड़ता है, अब अपने कबूतर है तो कौन सा सुख मिलने वाला है? देखो तो समझे क्या? समझो ये कि बच्चे हमको नहीं पैदा होते, बच्चे हमारे माध्यम से पैदा होते हैं। बच्चों को हम केवल देह मात्र देते हैं, उस देह में रहने वाला जो जीव है वो मां बाप का बनाया हुआ नहीं होता। देखो आपने प्रॉपर्टी इन्वेस्ट करने के लिए पैसे लगा दिए, एक मकान बांध लिया,
अब आप 10 मकान में तो नहीं रह सकते, तो क्या करोगे? उसको किराए पे चढ़ाओगे। जब किराए पे चढ़ाओगे तो उस मकान में रहने वाला व्यक्ति मांस खाए या घास खाए, वो वहां बैठ करके सिनेमा के गाने गाए या भजन कीर्तन करे, इस पर आपका क्या अधिकार है? कोई अधिकार नहीं। इसी प्रकार से हम जो अपने बच्चों को लेके परेशान होते हैं ना, ये नासमझी के कारण। देखो तो करना क्या है, अपने तरफ से जितनी उनकी सेवा करनी है करो, और सिद्धांत दुखी मत होना। किसी भी कारण से दुखी मत होना। जहां हम दुखी होते हैं, अपने हृदयस्थ सद्गुरु का अपमान करते हैं। देखो, दुखी होना यह ब्रह्मानंद का तिरस्कार करना है। भक्ति की भाषा में कहते हैं, जो भगवान के विरोधी है वो दुखी होते हैं, क्योंकि भगवान तो आनंद स्वरूप है, आनंद स्वरूप का जो विरोधी होगा वो दुखी होगा। इसीलिए धर्म का मार्ग हमें ये बताता है कि देही देह से भिन्न है, देह के विकार देही पर लागू नहीं होते। और यदि ये बात समझ में आए, अब दूसरी बात आ जाती है, तो ये देही है कौन? तो हम कह लेते हैं कि यह देही जीव है। यह समझाने की प्रक्रिया है, जीव नाम की कोई वस्तु नहीं है। ये बहुत सूक्ष्म सिद्धांत है संतो, पूर्ण सावधान होके सुने। अब देखो, तीन प्रकार के आकाश से हमको जाना है। आध्यात्मिक साधना जिसको कहते हैं, वो तीन देह से मुक्ति होकर के मैं से पूरी मुक्ति हो जाती है। पहली मुक्ति होती है स्थूल देह से। स्थूल देह से मुक्त होने के लिए साधना करनी है आकाश की। अवधूत गीता में आता है, भगवान दत्तात्रेय जी महाराज कहते हैं, गगनोपमोहम, ये साधना करें। शांत बैठे, बैठने के बाद यह इसको कहते हैं भावना, तंत्र शास्त्र में इसको धारणा कहते हैं। तो ये भावना करनी है कि अपना जो स्वरूप है यह स्थूल आकाश के जैसा है। तो क्या होगा? धीरे 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 देह का आकार हमारे मन से निकल जाएगा। दूसरी बात, आकाश का क्या लक्षण है? आकाश सबको अवकाश देता है, आकाश सबको आधार देता है, लेकिन किसी के भी द्वारा प्रभावित नहीं होता। उसी प्रकार से जो जागृत अवस्था की साधना है वो यही साधना है। हमें इस जगत में किसी के भी साथ ना उलझना है ना झगड़ना है। हमको एक बार किसी ने पूना में पूछा था, पूना या बंबई में किसी मराठी ने पूछा था, स्वामी जी सगो कळतो हो पण वळत नाही असं का? कारण की वळवळतं म्हणून। देखो, जो बात समझ में आए और जीवन में नहीं उतरे वो समझ में कहां आई है? यदि बात समझ में आई तो जीवन में निश्चित उतरेगी। देखो, तो पहली साधना ये है, जब ध्यान का आप अभ्यास करते हो तो शांत होके बैठ ले और इसका अभ्यास करें कि आकाश के जैसा अपना स्वरूप निराकार है। इस पर
किसी भी महाभूत का कोई प्रभाव नहीं। पृथ्वी का वजन या गंध, जल का रस या गीलापन, अग्नि की उष्णता या प्रकाश और वायु का सुखाना या स्पर्श, ये चारों भी आकाश को प्रभावित नहीं कर सकते। उसी प्रकार से जगत के कोई भी शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध या सुख दुख हमको प्रभावित ना करे, ये पहली साधना है। ध्यान से सुनना, यही साधना हमारे महाराज जी ने अपने जीवन में हमारे सबके सामने डेमोंस्ट्रेट करी थी। उनका स्थूल देह हमेशा व्याधि पूर्ण रहा, लेकिन उन व्याधियों से वो कभी व्यथित नहीं हुए। जो व्याधि से व्यथित नहीं होता, उसने अपने स्थूल देह को जीत लिया है। जिसने अपने स्थूल देह को जीत लिया है, स्थूल देह के जितने रिश्ते नाते हैं उनको भी जीत लिया है। पूरी भगवत गीता इसी सिद्धांत पर है, माम का पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय। मेरा और तेरा यही तो सब गणित है स्थूल जगत का। तो जहां हम अपने स्थूल देह से उपरत हो गए, हमने भूताकाश की साधना कर ली। फिर दूसरी साधना है चित्ताकाश की। चित्ताकाश में वृत्तियों का तूफान चलता है। जब हम वृत्तियों के द्वारा प्रभावित नहीं होते तो चित्ताकाश में निवास करते हैं। स्थूल जगत स्थूल देह को लेकर के है, सूक्ष्म जगत सूक्ष्म देह को लेकर के है, और तीसरा आकाश है चिदाकाश। चिदाकाश में जागर, स्वप्न, सुषुप्ति, समाधि, ये चारों भी बादलों की तरह मंडराते हैं, लेकिन चारों का भी प्रभाव इस पर कभी नहीं होता। यह चिदाकाश को स्वरूप से पहचानना, यह अपने सर को गुरु महाराज के सामने झुकाना है। इसमें जागृत का मैं, स्वप्न का मैं, सुषुप्ति का मैं और समाधि का मैं, चारों के चारों बादलों के जैसे उड़ जाएंगे और वह एक मैं। नवे अध्याय में भगवान कहते हैं, मया ततमिदं सर्वं जगदव्यक्तमूर्तिना मस्थानि सर्वभूतानि न चाहं तेष्वस्थितः न च मस्थानि भूतानि पश्य मे योगमैश्वरं भूतभृन्न च भूतस्थः ममात्मा भूतभावनः। जिसने जागृत को आधार दिया है, लेकिन जागृत पुरुष के जैसा जो दुखी नहीं है। जिसने स्वप्न को आधार दिया है, लेकिन जिसमें कर्तव्य की दुर्गंध नहीं है, कर्म की परेशानी नहीं है। जिसने सुषुप्ति को आधार दिया है, लेकिन जो सोता नहीं, और जो समाधि को आधार देता है, लेकिन जिसकी समाधि कभी टूटती नहीं, वह जो अखंड चेतन सत्ता है, उस अखंड चेतन सत्ता को आत्मस्वरूप से पहचानना, यही मैं से मुक्त होना है। और जब तक इस मैं से हम मुक्त नहीं होंगे, तब तक के परेशान ही होते रहेंगे। इस प्रकार से यह जो आज का दिन है, हम सभी के सभी सद्गुरु महाराज के प्रति समर्पित होने के लिए आए हैं और आकर के नमस्कार करते हैं। तो नमस्कार का ये अर्थ समझ लें, हमें अपने जीवन में अपने तरफ से कुछ नहीं करना, ना किसी का उद्धार करना है। वो ठेका भगवान ने अपने पास रखा है, फिर हम क्या करें? उद्धरे दात्मनात्मानम नात्मानम अवसादे। हमको अपना उद्धार करना है, और अपना उद्धार कैसा होगा? सद्गुरु के प्रति समर्पित होकर के। और समर्पित होना माने मैं से मुक्ति पाना, और मैं से मुक्ति पाते हैं जब हम अपने जीवन का संपूर्णता से चिंतन करते हैं। तब
इस प्रकार से आज के इस शुभ दिन पर हम सभी के सभी एक निर्णय ले लें। और वो निर्णय क्या है मैं आप सबको बताता हूँ। जो जो जगह है और जिनकी इच्छा है, अपना दाहिना हाथ अपने बाएं दिल पर रखे। जिनको दिल नहीं है दे नीड नॉट कीप। और हम जो कहते हैं हमारे बाद आप कहिए। आज से हम निश्चय करते हैं कभी दुखी नहीं होंगे, सदा प्रसन्न रहेंगे। यही हमारी सद्गुरु के चरणों में समर्पण की विधि है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।